बात करते हैं भिंड की, जहां घर के बंटवारे को लेकर दो सगे भाइयों में विवाद हो गया। दोनों भाई घर के अंदर मकान का बंटवारा कर रहे थे, इसी समय दोनों में बहस हो गई। बड़े भाई ने छोटे भाई पर अवैध हथियार से हमला बोल दिया था। इस घटना में छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। मौके पर दोनों भाइयों की मां मौजूद थी। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मालनपुर थाना विनोद सिंह कुशवाहा के मुताबिक, रेखा नगर में रहने वाले संत कुमार सिंह के यूपी में सिंचाई विभाग से रिटायर्ड होकर भिंड आए थे। यहां उनका पुराना मकान था, जिसमें बड़ा लड़का शैलेन्द्र सिंह परिहार अपने परिवार के साथ रहता था। संत कुमार ने दूसरा मकान मीरानगर में बनवाया, जिसमें अपनी पत्नी मुन्नी देवी और छोटे लड़का सचिन के साथ रहता था। शनिवार की सुबह बड़ा लड़का शैलेन्द्र सिंह अपने माता पिता से नए मकान में हिस्सा देने की बात को लेकर बहस करने लगा। इसी समय छोटा लड़का सचिन बोला कि सुबह सुबह क्यों हंगामा कर रहे हैं। छोटे भाई का माता पिता के पक्ष में बोला बड़े भाई को अच्छा नहीं लगा। पहले उसने छोटे भाई को डंडा मार दिया, इसी समय छोटे भाई ने बड़े भाई से डंडा खींचकर 2 से 3 मार दिए। ये बात शैलेन्द्र को खल गई, वो सीधे घर के और अवैध हथियार लेकर आया। शैलेन्द्र ने अपने माता पिता के सामने छोटे भाई सचिन को गोली मार दी। ये गोली सचिन के कंधे में जा लगी थी। इस मौके पर भांजा प्रियांश भी मौजूद था, जो कि गोली की चपेट में आने से बच गया। इसके बाद आरोपी स्कूटर से मौका ए वारदात से फरार हो गया है।